हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आपको डेली जॉब अपडेट मिल जाती है। अगर इसी तरह से जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आज की जॉब अपडेट के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से जॉब अपडेट है 54th शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड फॉर मेन एंड 25th शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन। पूरी बातें करेंगे वीडियो में, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस है। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो तो मैं शुरू करूंगा लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपने मेरे कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। बढ़िया ऑफर चल रही है लेकिन यहाँ पे क्लिक करके 31 जुलाई तक की ऑफर है, फटाफट से कर लीजिए लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो कंडीशन है फाइनल ईयर 2020 वाली, तो उसमें कुछ बात यह है कि इन्होंने कहा है कि अप्रैल 2020 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 2020 में जो पास होने वाले उनकी बात कर रहा हूं, 2019 में पास होने वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, 2018 ये सब तो अप्लाई कर ही सकते हैं। 2020 वालों के लिए कंडीशन ये है, आप में से काफी का रिजल्ट ऐसा डिग्री का रिजल्ट आ जाता है, मतलब डिग्री नहीं मांगी, डिग्री का रिजल्ट मांगा है, फिर वो सर्टिफिकेट तो बाद में आएगा चलेगा। अब ये बेसिक सी बात है। और अगर आप यहां पे ज्वाइन करना चाहते हो तो ब्रांचेस के बारे में बात करें तो सिविल में यहां पे 46 मेन एंड 4 वुमेन, मैकेनिकल में 14 मेन एंड वुमेन 2, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 22 मेन एंड 2 वुमेन, एरोनॉटिकल बैलिस्टिक्स एवियोनिक्स, मतलब यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपकी हुई तो उसमें 12 मैन की जरूरत है। ना मैकेनिकल के बारे में बात कर ले तो मैकेनिकल में मैकेट्रॉनिक्स भी है, ऑटोमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपने इसमें से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल में सिविल स्ट्रक्चरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रही बात एरोनॉटिकल, तो एरोनॉटिकल में एरोनॉटिकल एवियोनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी अप्लाई कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन अगर आपने किया हुआ है तो ये भी ब्रांचेस एलिजिबल है, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। तो कुल मिलाकर 175 मेन की रिक्वायरमेंट है और वुमेन में 14 की रिक्वायरमेंट है। और आप यहां पे अनमैरिड हो ऐसा जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ अनमैरिड के लिए, मैरिड के लिए नहीं है। अब आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बेसिस प्रोसेस बता देता हूं। तो यहां पे किसी भी तरह की ये रिटर्न टेस्ट जैसा कुछ कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन रिटर्न टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जाम तो होगी लेकिन उसको नाम दिया गया है एसएसबी एग्जाम्स होगी, एसएसबी स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जो कि एग्जाम आप जानते ही हो, काफी स्टूडेंट्स जानते हैं एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी में कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में आपको एसएसबी स्टेज 1 के लिए बुलाया जाएगा, फिर स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में बेसिक से एग्जाम होगी, इन्होंने यहाँ पे कुछ इतना डिटेल में नहीं बताया हुआ है लेकिन एसएसबी इंटरव्यूज कुछ 5 दिन के होते हैं, ये एग्जाम इंटरव्यू सब कुछ यहाँ पे आ गया, मेडिकल फिटनेस यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। तो अब देखो आप क्या होता है, अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, किसी भी तरह की फीस नहीं है, लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी अपने देश को, और बाद में आप वहाँ से चाहो तो परमानेंट भी इसको कर सकते हो या फिर अलग भी हो सकते हो। तो जिसकी यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ पे जिसकी जॉब लगेगी उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, अलाउंस तो बहुत मिलने वाले हैं, मतलब अलाउंस की यहाँ पे लिस्ट है, मैं आपको बताऊँ तो नोटिफिकेशन में आप देख लेना, लेकिन आपका स्टार्टिंग पे जो होगा लेफ्टिनेंट का वो 56,100 से स्टार्टिंग होगा और बाद में आपका प्रमोशन होता ही जाएगा। तो वो प्रमोशन 2 साल कंप्लीट हो गए, 6 साल 13 साल फिर 26 साल, तो इस तरह से आपका मतलब कंप्लीट होता जाएगा और आप प्रमोट होते जाओगे। तो लेकिन यहाँ पे अगर बात बताऊँ, सच बात बताऊँ तो इसका जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस काफ़ी हार्ड है, मतलब ये बच्चों वाले काम नहीं है कि कोई भी गया और सिलेक्ट हो गया, आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। एसएसबी इंटरव्यूज का मेरा कोई इतना मैंने कभी नहीं दिया हुआ है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रिसर्च करके बता सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो ज़रूर से बताऊँगा। कमेंट करके बताना कि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, मैंने नहीं दिए, फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं दिया है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ सुना है पढ़ा है कि ये इंटरव्यूज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्ट होते हैं वो भी जाते हैं। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर में से इनका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था लेकिन उसके बाद में मुझे कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन गए एसएसबी इंटरव्यू में वीडियो देख के। तो आप भी अगर जाते हो तो ज़रूर से बताना। और अगर यहाँ पे बात करें, ट्रेनिंग होने वाली है, मतलब डायरेक्ट तो पोस्ट नहीं कर देंगे, ट्रेनिंग होने वाली है 49 वीक्स की ट्रेनिंग होने वाली, मतलब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी और 1 साल की ट्रेनिंग में भी आपको अच्छा खासा पे भी किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाद में जैसे ही आपकी जॉब लगती है तब आपको ये पैकेज मिलेगा। बस यही सारी बात है आपको बतानी थी। इंडियन आर्मी की तरफ से ये जॉब अपडेट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वो लिंक पे जाके आपको नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी जो कि आपको नोटिफिकेशन पे भी ले जाएगी और अप्लाइंग लिंक पे भी ले जाएगी। और इसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पे अगर हम बात करें ना, यहाँ पे ये एप्लीकेशन 24 जुलाई से खुल चुका है, अभी लाइव है लिंक, लेकिन ये चलने वाला है 22 अगस्त तक। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे ही ये आती रहती है रिक्रूटमेंट, किसी भी तरह की फीस नहीं है, जब चाहो आप यहाँ पे चांस दे सकते हो, लेकिन इसमें कुछ लिमिट क्राइटेरिया तो होंगे कि आप इतने टाइम में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी अप्लाई करना चाहते हो तो 24 अगस्त तक ये ओपन है, जरूर से अप्लाई कर देना अगर कुछ करना चाहते हो। ये एक तरह की अपने नेशन को एक सर्विस हो गई, तो अप्लाई कर देना अगर इंटरेस्टेड हो तो। बस यही बात आपको बतानी थी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, लाइक का टारगेट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 2000 लाइक, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट कर लोगे, और कमेंट करके जरूर से बताना। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।